व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और अभी बज रहे हैं 10:30। राइट नाउ वी आर इन सूरत, और अभी मैं उठा हूँ और अब मैं जाऊंगा ये वाले घर से वो वाले घर पे। बेसिकली सूरत में आने के बाद मैं घर ही नापता रहता हूँ, कभी इस तो कभी वो, कभी ये घर तो कभी ये घर, तो ऐसा सभी चल रहा है। तो अभी आ गए हैं गाड़ी के अंदर और अभी जा रहे हैं अपने वाले घर पे। करवाना था बैक कैमरा फिट, और ये बेसिकली है जेटा मॉडल 2016 वाला, और इसके अंदर बैक कैमरा नहीं आता है, विच इज के यहाँ पर एक स्क्रीन नहीं आता है, ये आता है अल्फा के अंदर। तो अब मेरे को चाहिए था एक स्क्रीन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके पूरा जिप टाई विप टाई से पूरा इसको इधर लगा दिया है, और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया चल भी रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। पहली दिक्कत तो ये हो रही थी, मैं यहाँ पर लगा रहा था, ये वो वाला स्क्रीन है वर्ल्टेक का जो लग जाता है ये वाले मिरर के ऊपर। अब मिरर के ऊपर मैं लगा रहा था तो ये मिरर कूद कूद के खड्डे वड्डे सब ऐसे हो जा रहा था, मतलब ये पूरा नीचे आ जा रहा था, तो इसका कोई मतलब था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका किया क्या जाए, और यहाँ पर तो मैं पूरा स्क्रीन लगा नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ही महंगा मेरे को पड़ा था, और मेरे को उसका कोई काम भी नहीं था, मेरे को बस काम था अपने कैमरे से कि मेरे को बस पीछे का व्यू आना चाहिए जब मैं पार्क कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, ये वर्ल्टेक का जो मेरे पास स्क्रीन था पुराना जो अपनी वैगनार में था वो वाला निकाला, उसके पीछे से सारा तामझाम किया और मैंने इसको जिप टाई से यहाँ पर बांध दिया, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे मस्त एकदम पैक हो जाता है, और फिर ऐसे जब निकाल लेते हो तो यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाता है, ये अपना कांच हो जाता है, और ये बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना हो तो आप लोग कर सकते हो, और आपको ये करना है और आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना कमेंट डाउन के अंदर, तो मैं आपको दे दूंगा पूरी की पूरी वीडियो क्या है कैसे करना है। तो ये पूरा तामझाम है इसके अंदर बलेनो के अंदर, तो ये है एक छोटा सा मॉडिफिकेशन। One hour later. अभी हम लोग हो गए हैं तैयार और अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत सेंटर होम पर। मुकेश भाई से बात हो चुकी है कि हम लोग आ रहे हैं करके, और वो भी अभी हमारा वहाँ पर वेट कर रहे थे, बोले थे 15-20 मिनट में आ जाओ वरना फिर उनको भी कुछ काम है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं आता हूँ अभी के अभी ही। और ये देखिए मस्त एकदम निकल चुके हैं, तो पहुँचते हैं सीधा सूरत शेल्टर होम पर। पहुंच गए हैं शेल्टर होम पर, ये है सूरत शेल्टर होम, और यहाँ पर ही सामने है सूरत महानगर पालिका का सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके एग्जैक्ट सामने है अपना शेल्टर। और अभी मिलते हैं मुकेश भाई से, और ये रहे मामा। क्या मामा कैसे हो, मजे में हो ना, क्या चल रहा है अभी,
खाने पीने का चल रहा है ना। यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हो, देखिए सब ऐसे पहचानते पहचानते, ये रहे अपने मुकेश भाई। क्या मुकेश भाई, प्रेस के नहीं करवाया पहली बात तो? अरे यार वो आज इतना हम लोग मतलब ऐसे दिक्कत में थे, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को इधर सेट करा लेना था। अरे यार क्या यार, ऐसा नहीं है मुकेश भाई, पर टाइम ही नहीं रहता, अब क्या करिए। अरे आप तो हो ही यार यहाँ के करता धरता, तो आपका थोड़ी ऐसा चलेगा प्रेस किए बिना का। क्या नहीं है, इतना तो प्रेस है यार, अभी आपका तो कपड़ा ही ऐसा होता है, वो लिनन वाला ऐसा ऐसा हो जाता है, आप उस दिन एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ लिनन वाले ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अभी दो जोड़ी लेके आए हैं। सही है सही है। तो ये है अपना मुकेश भाई, ये यहाँ के करता धरता है। क्या मुकेश भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अरे आ तो रहा हूँ यार, अभी तक विद्यानगर में नहीं था, मित्रों लोग को बोली कि सेंटर विजिट करे आते हैं। हाँ तो बताइए ना, आप ही बताइए, आप बताओ, आपको अच्छा आता है वो क्या? वेरी। अरे आप बताओ तो सही, क्या क्या है सुविधा है, क्या है अपना सेंटर? आप दिखाइए उनको तो खुद पता चलेगा। अच्छा अच्छा दिखानी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में एक छोटा सा टूर देता हूँ पूरा शेल्टर का। और ये है अपने मुकेश भाई, ये यहाँ का पूरा शेल्टर संभालते हैं। और शेल्टर किस किस के साथ में? ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और सूरत महानगर पालिका। तो ये वाला शेल्टर है वो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था है जो दिल्ली से चलाती है इसको, और मुकेश भाई अपने करता धरता है, और इसका कोलोब्रेशन सूरत महानगर पालिका के साथ है। तो मैं आपको एक पूरा विजिट देता हूँ अभी शेल्टर का। पूरा बैकयार्ड जैसा एक एरिया, यहाँ पर सब लोग अपना सामान वामान रखते हैं, जो मतलब जो लोग लारी बारी ढोते हैं और जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं उसका यहाँ पर सारा सामान रहता है। और ये है अपना रिसेप्शन, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर ऐसे लॉकर्स दिए जाते हैं लोगों को, कैमरे की भी सुविधा है पूरी। और फिर यहाँ पर आ जाती है अपनी डॉर्मेट्री, ये है पूरी डॉर्मेट्री, यहाँ पर सारे लोग रहते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। कैसा है माजी, एकदम मजा मच होना, मजे में हो ना? मजे में हो ना? क्या अभी खाने में क्या दिया है? दाल चावल दिया है ना, मजा आ रहा है ना? आता है बेटा, मजा आता है। खाने जूठू नहीं बोलवानो। हाँ तो देखिए, ये हमारे एक बेनिफिशियरी है, हाँ। माजी है, ये लोग ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं। देखिए पूरा एक बेड के अंदर ही अपना छोटा सा मकान बना लेते हैं ये लोग, और इसी तरह यहाँ पर रहते हैं, है ना माजी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चले मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। ये है अपना मामा, और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम का भी पूरा एकदम खास ख्याल रखा जाता है, पूरा एकदम मस्त सब कुछ ऐसे दे लोग दे रहे हैं। पानी पीने का भी हो जाता है यहाँ पर, ही आरओ है, पूरा फिल्टर दिया गया है। अपना पूजा बहन, ये यहाँ पर मैनेजर भी है, केयर टेकर भी है, और अगर आप लोग ये शेल्टर होम विजिट करने आओगे तो ये आपको यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। ज़्यादातर तो घूमते ही रहते हैं, पर कभी कभार यहाँ पर बैठे आपको मिल सकते हैं, है ना पूजा बहन? अब आपका एड्रेस बता दीजिए शेल्टर होम का। सेल्टर होम का एड्रेस है बॉम्बे मार्केट, गेट नंबर 1, अपोजिट सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने, सूरत महानगर पालिका आश्रय ग्रुप। तो ये है एड्रेस, और अगर आप लोगों को विजिट करने की इच्छा हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ की सारी सुविधाएं देख सकते हो। और जो नीडी पर्सन है उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा एड्रेस डाल दूंगा, हेल्पलाइन नंबर भी डाल दूंगा, जिसको यहाँ पर आके रहना है, अपना एंट्री करवाना है, वो भी करवा सकता है। मामा वामा से फिर आपकी मुलाकात होती रहेगी रोज के रोज, रोजमरोज, अगर आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हो तो, जो भी नीडी पर्सन है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा पहला शेल्टर होम, ऐसे और बहुत सारे शेल्टर होम हैं अपने मुकेश भाई चलाते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सारे शेल्टर होम की एक एक छोटी छोटी वीडियोस देता रहूँगा। तो अभी हम लोग शेल्टर होम से निकल रहे हैं, और ये रहे अपने मुकेश भाई। तो ये था अपना छोटा सा व्लॉग शेल्टर होम के ऊपर, और भी ऐसे में कई बेहतरीन वीडियोस लाता रहूंगा। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।